वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको बता दिया जाए श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है, वो आप अपने साथ यात्रा के दौरान नहीं ले जा सकते। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूँ। यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप, टैब, आप ये सभी चीज़ें जो हैं ये आगे यानी कि कटरा से ऊपर भवन की ओर या रास्ता यात्रा मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। इन चीज़ों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को कटरा में ही जमा करवाना होगा। इसके अलावा जहां आप ठहरे हैं किसी होटल में, किसी कॉटेज में, तो आपको वहां जमा करवा सकते हैं या तो आप अपनी जो गाड़ी लाए हैं वहीं पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं ये SOPs इसको लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने SOPs को जारी कर दिया है। और हालांकि मोबाइल फ़ोन ले जाने पर अब आप यात्रा के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं इसके बारे में जो है वो प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसा श्राइन बोर्ड कहता है कि यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी है और आप यात्रा के दौरान अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, परिजनों से कॉन्टैक्ट कर पाएँ, इसलिए आपको अभी तक यात्रा पर मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति को नहीं हटाया गया है। यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को साथ में ले जा सकते हैं। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इन तमाम चीज़ों को यानी कि टैबलेट की बात करें, वीडियो कैमराज की बात करें या लैपटॉप्स की बात करें, इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। अब आप वैष्णो देवी की यात्रा में इन्हें साथ में नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं ये बताया गया है कि भवन और यात्रा राष्ट्र विरोधी तत्वों के निशाने पर है। आपको मैं बता दूं एजेंसीज ये बताती हैं इस संबंध में श्रद्धालुओं को अवेयर किया जा रहा है और कटरा में जो स्थापित सूचना केंद्र है वहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है और तमाम यात्रियों को अवेयर किया जा रहा है कि जगह जगह जो है साइंस बोर्ड भी लगाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने ये फैसला लिया है, सिक्योरिटी की इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आप इन तमाम चीज़ों को यात्रा के दौरान अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। और आपको बता दूं अगर आप ये चीज़ ले जाना चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरी है कि आपका काम सफ़र करेगा, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं आपको अपना लैपटॉप साथ में कैरी करना ज़रूरी है, अपना टैब साथ में कैरी करना ज़रूरी है या वीडियो कैमरा ले जाना भी ज़रूरी है, तो अब इसके लिए आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी या श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर श्राइन बोर्ड के अधिकारी आपको परमिशन देते हैं तो ही आप अपना जो टैबलेट या लैपटॉप या फिर वीडियो कैमरा है वो साथ ले जा सकते हैं, या पुलिस वाले आपको इसके लिए जो है वो परमिशन देते हैं। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो आप इन चीज़ों को यात्रा के साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये बताया गया है अगर आपको इन चीज़ों के साथ ऊपर पकड़ा जाता है तो आपकी चीज़ों को वहाँ पर सबमिट करवाना ज़रूरी होगा, इसलिए आप इन लोगों इन चीज़ों का ध्यान रखिए, पूरी जो है अपनी आपको मैं बता दूं पुलिस का सहयोग कीजिए, श्राइन बोर्ड का सहयोग कीजिए सिक्योरिटी के लिए और बहसबाजी जो है वो इन चीज़ों में ना कीजिए। और इस जो फैसला लिया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से इसे आप किस तरह से देखते हैं अपनी राय को भी रखेगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप पॉली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।